हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्जोर से। जैसा कि हमने यूके यूनिवर्सिटी या एम्बेसी की इंटरव्यू की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, तो ये उसका दूसरा पार्ट है। जिन स्टूडेंट्स ने पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उस पार्ट को जरूर देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे तभी आप सेकेंड पार्ट की तैयारी कीजिएगा। तो आप सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि वाई दिस यूनिवर्सिटी। जो भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की, सपोज आपने किंग्सटन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है लंदन में, तो वो आपसे पूछेंगे व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, कि आपने किंग्सटन क्यों चूज़ करी है। तो उसमें आपने रिप्लाई में क्या देना है, उसमें आप रिवर्ट करिए कि किंग्सटन यूनिवर्सिटी में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, या उसकी लोकेशन अच्छी है, उसकी फैकल्टी अच्छी है, प्लस अगर उन्होंने कोई इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हुए हैं वो मेंशन कीजिए, अगर उनके पास कोई स्पेशल का मीन्स है कि अगर उनके पास कोई स्पेशल अवार्ड के अलावा कोई जैसे ग्रेडेशन है, या कोई उनके पास स्पेशल फीचर्स है, या यूनिवर्सिटी का कैंपस 24 आवर है, या वहाँ की आपको जॉब में फैसिलिटेट करते हैं, या उनके पास कोई इंटरनेशनल हेल्प डेस्क में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, वो सारी आप उसमें मैंशन कीजिए। तो वो यूनिवर्सिटी में जितनी ज़्यादा आप खुद रिसर्च करेंगे वो उतना ही बेटर है। आप अगर रिसर्च करेंगे आपको और भी इंटरनेट पे बहुत सारे पॉइंट्स और भी मिलेंगे। आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके जरूर देखिए, ताकि उसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू है तो ज़्यादा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी और कोर्स को रिलेटेड ही होते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जितना आप यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन के जितने ज़्यादा आंसर उसको बेटर वे से दे पाएंगे उतना बेटर है, आपकी रिसर्च बेटर होनी चाहिए। उसके बाद आएगा कि What other university you have researched for? फिर आप मान लीजिए अगर आपने किंगस्टन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया तो उसके कंपेरिजन में दो तीन यूनिवर्सिटीज़ और देखिए कि हमने ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है। एक में हमारे जो हम कोर्स चाहते थे वो कोर्स नहीं है, दूसरे में मान लीजिए फीस ज़्यादा थी, तीसरे में बताइए कि किंगस्टन ने हमें स्कॉलरशिप दी है, ठीक है। और फोर्थ यूनिवर्सिटी आप ये कह सकते हैं कि जो फोर्थ यूनिवर्सिटी है वो उनकी फीस कंपेरेटिवली काफ़ी हाइक है, और प्लस या उनका लोकेशन कोई थोड़ी दूर है वो, या उसका कोई भी ऐसा नेगेटिव या ड्रॉबैक बताइएगा। तीन कम से कम यूनिवर्सिटी जरूर रखिए रिसर्च के लिए, और उसके बाद आप बताइए कि मैंने ये किंगस्टन इसलिए चूज़ करी है। अब आ जाएगा वाई दिस कोर्स, तो ये वाला कोर्स आपने क्यों लिया, तो उसका भी आपको रीज़न देना पड़ेगा कि मैंने जो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, या अगर आपका बीच में कोई एक्सपीरियंस है उसमें मेंशन करिए कि मैंने ये वाला कोर्स, सपोज अगर आपने 12th करी है कॉमर्स में या आर्ट्स में करी है, तो आप मान लीजिए बिजनेस का प्रोग्राम ले रहे हैं, तो आप ये मेंशन कीजिए कि मेरा इंटरेस्ट था बिजनेस में, मैंने ग्रोथ लेनी थी। अगर आपका गैप है तो आप ये शो कीजिए कि मेरा ये एक्सपीरियंस था तो मेरे को प्रमोशंस नहीं मिल रही थी, तो मैं ये चाहता था कि अगर मुझे हाइक लेनी है तो मुझे इंटरनेशनल डिग्री चाहिए, तो दैट्स वाई फिर मैं ये डिग्री बिजनेस प्रोग्राम के लिए ले रहा हूँ, इसके बाद मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में सेलेक्ट होऊंगा, तो इसलिए मैंने ये प्रोग्राम लिया है कि मेरी इसमें एक वैल्यू ऐड होगी और उसके बाद मेरे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बेटर रहेंगे। फिर आएगा कि वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट आर द कोर्स मॉड्यूल्स, व्हाट आर द कोर्स कंटेंट्स, कि इसमें कोर्स में कौन कौन से मॉड्यूल्स रहेंगे, तो वो आपको सारे मॉड्यूल्स याद करने पड़ेंगे कि आपके फर्स्ट ईयर में कौन से मॉड्यूल है, सेकेंड ईयर में कौन से, सपोज अगर बैचलर्स के लिए जा रही है थर्ड ईयर में कौन से हैं, तो वो आपको मॉड्यूल्स बोलने ही पड़ेंगे। उसके बाद आपसे वो क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि ये वाला कोर्स आपका इंडिया में भी अवेलेबल है, फिर आपने यहाँ को सिलेक्ट किया, तो अगेन आपने वही क्वेश्चंस आंसर्स देने हैं कि इंडिया में प्रैक्टिकल स्टडी नहीं है, या वहाँ पर ये जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है, या हमारे को यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, वो पॉजिटिव पॉइंट्स जो मैं पहले बता चुका हूँ वही पॉइंट्स आप इसमें अगेन रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा उसको लैंग्वेज डिफरेंट करके। उसके बाद आपको पूछेंगे व्हाट इज़ द लेवल ऑफ योर कोर्स, तो वो आपका लेवल आप नेट पे सर्च कर लीजिए कि उसका लेवल 6 है या 7 है, वो आप उनको बताइए कि लेवल 6 है, तो वो आप उसी का सिर्फ स्पेसिफिक आंसर ही दीजिए। फिर वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ योर यूनिवर्सिटी, लोकेशन आपको बतानी है, आपको पता होना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी, मान लो अगर किंगस्टन यूनिवर्सिटी है तो वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उसके आसपास क्या है। फिर वो आपसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि हैव यू बुक्ड फॉर योर अकोमोडेशन, तो
अगर आप लीजिए आपने रिसर्च करी हुई है कि आपने कहीं और अकोमोडेशन लेनी है, तो आप नेट पे दो तीन साइट्स का नाम लेके बताइए कि मैंने ये यहाँ देखा और ऑलमोस्ट इतनी इतनी कॉस्ट उसकी आ रही है। और अगर नहीं तो आप ये एक रिप्लाई भी कर सकते हैं कि वंस आई गेट माई वीज़ा देन आई विल बुक द यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, और उसकी भी लेकिन आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन की क्या है। और आप अगर जैसे मान लीजिए किंगस्टन का एग्जाम्पल लेता हूँ कि जो स्टूडेंट्स जाते हैं बैचलर्स के लिए, इंटरनेशनल ईयर वन का आपका डिफरेंट कैंपस है, उसके बाद जो टू इयर्स की बैचलर है वो डिफरेंट कैंपस में, तो दोनों कैंपसेस के आपको लोकेशन पता होनी चाहिए और इंटरनेशनल ईयर वन कहाँ आपने करना है उसकी क्या लोकेशन है और सेकेंड उसकी क्या लोकेशन है। फिर वो आपसे ये भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मॉडल रहेगा वो क्या रहेगा आपके, अगर आप आउटसाइड अकोमोडेशन ले रहे हैं तो वो आप कैसे अकोमोडेशन लेंगे, तो वो आप बता सकते हैं कि आप बाई बस ट्रैवल कर सकते हैं या अगर आपका वहाँ से ट्रेन की कोई कनेक्टिविटी है लोकल तो वो भी आप बता सकते हैं कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई भी लेके वहाँ जा सकता हूँ, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि कहाँ से मिलनी है और कितने किलोमीटर है। यही चीज़ मैं बार बार एम्फोसिस कर रहा हूँ रिसर्च पे, तो ये चीज़ें सारी रिसर्च पे हैं। बाकी कुछ और क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट थ्री में कवर करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए यही है। और रेफरेंस के लिए मैंने कुछ आपके हिंट्स क्वेश्चंस के नीचे आंसर्स के लिए दिए हुए हैं, उसको आप अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल्स ओवरसीज, विजिट अस और कॉल अस फॉर वीजा सर्विसेज, फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स फॉर लेटेस्ट ऑफर्स एंड अपडेट्स।